अच्छा उनके घर से ले लिया भैया, हम मेरे पास तुम्हारी लड़की है। हाय गाइस बोल दे जरा, मेरा दांत बिखर आता है। अगर अगर वहाँ से अगर नेपाल से आप यहाँ आ जाते फिर वहाँ छोड़ने जाते फिर वो नहीं सिखाई। ये देखो अपने भाई की आने की खुशी में मम्मी बिल्कुल तैयार। तो प्रेशर कुकर हमारे चूल्हे में चढ़ चुका है, यहाँ पर सीटी आना भी शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह का मौसम देखो ना कैसे बादल लगे हैं, बहुत प्यारे। रात के टाइम पर और सुबह सुबह के टाइम पर हल्की फुल्की बारिश थी, लेकिन बारिश इतनी नहीं हुई कि मतलब जमीन अच्छे से भीग पाए। बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश हो रही थी ना। सुबह सुबह अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही है, आजकल चूल्हे में ही बनता है। बाकी चाचा भी आ चुके हैं भाई यहाँ पे। और चाचा कब जा रहे हो केदारनाथ? मौसम ठीक नहीं है वहाँ, गाड़ी आजकल केदारनाथ जाना बोला ठीक नहीं है, मतलब कि आजकल बारिशें हो रही ना बहुत ज्यादा, इस वजह से। पापा कर रहे हैं चाय बनाने की तैयारी, पापा दरअसल जा रहे हैं, तुम भी जाना चाहे? हाँ। तो पापा और चाचा दोनों जा रहे हैं दरअसल ऊपर की तरफ में ना, वहाँ पर उन पहाड़ों में बाघ घुरट लगी, मतलब जो कल शाम को मैं बाघ नहीं बता रहा था तो आज यहाँ पूरी रात पर पूरी सुबह भी, मतलब यहाँ पूरे इस वाले एरिया में मतलब ना रोर कर रहा था, घूर रहा था। आजकल मतलब होता ही है, जून जुलाई अगस्त तक मतलब ऐसे ही रहेगा, बाघों की आवाज़ आती रहेगी। बाकी सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट बनने की तैयारी, और जैसे ही ब्रेकफास्ट बन जाता है उसके बाद में मम्मी कहाँ जाने से आज? आज दरअसल हमारे घर पर ना बहुत सारे लोग, यानी कि मामा और भी आ सकते हैं ना। अच्छा, तो ये हो सकता है कि बारिश की वजह से ना आए। वैसे तो मौसम मतलब कल परसों से ऐसे ही हो रखा है ना, तो क्या पता, देखें। अगर मामा जी और आ गए तो बढ़िया, अच्छा है, आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएंगे मामा जी। और बात अभी तो सुबह सुबह मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोया दरअसल, और अभी थोड़ी देर पहले तो एडिटिंग करी, अभी आधी एडिटिंग करी है, आधी और बची है दरअसल, तो थोड़ा उसे कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद हाथ मुंह धोते हैं। तो प्रेशर कुकर हमारे चूल्हे में चढ़ चुका है, यहाँ पर सीटी आना भी शुरू हो चुकी है। दरअसल मामा जी और का कंफर्म हो गया है कि वो दरअसल आज ना यहाँ पर आने वाले हैं, तो मुझे अभी बाजार भी जाना है, थोड़ा बहुत सामान सामान लेके आऊंगा। दौड़ क्या, हाँ मौसम देखो, मौसम कितना खूबसूरत प्यारा, मुझे लग रहा है शायद बारिश आने वाली है। और नीचे से देखो बादल कैसे आ रहे हैं ऊपर को, पूरे के पूरे बादलों की लेयर बनी है नीचे पूरी की पूरी उस पूरे एरिया में ना। तो अभी बस मुझे फिक्र इस बात की है कि जैसे मैं जाऊंगा ना तो कहीं बारिश ना होना शुरू हो जाए, और बारिश होना शुरू हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, बड़ी परेशानी होती है बारिश में बाइक चलाना, खास करके रेनकोट पहन के ना बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी देखते हैं, टाइम से चलते हैं। और ये देखो ये भी निकल गया, केसु है इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में पहुँच गया भाई? अरे है माँ ब्रेकफास्ट रखो ना यार, नाश्ता रखो। दरअसल हम लोग ना नाश्ता नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं खाना खाते हैं दरअसल, ठीक है? तो खाना चाहिए, हमारा दरअसल ब्रेकफास्ट नहीं चलता भाई, जब खाना ब्रेकफास्ट का मतलब है, जैसे शहरों में नहीं खाते कि ब्रेड पे मक्खन लगा दिया और खा के निकल गए, बस दो ब्रेड पकड़े यार, वो नहीं है। हमारा प्रॉपर चलता है खाना, यानी कि सुबह का अगर ब्रेकफास्ट भी करना है तो कम से कम 4-6 रोटी एक आदमी के लिए तो चाहिए भाई, तब जाके हमारा थोड़ा बहुत कुछ हो पाता है। ये खाता है 4-5 रोटी। तो ये टैंकी भी खाली रखी है, इसमें जूस भरा था दरअसल ना हमने। हम तो नहीं खाते हैं भैया। क्या? मैं तो मुश्किल से 2 रोटी खाती हूँ। अच्छा मुश्किल से 2 रोटियाँ सवेरे। मम्मी पता भाई साहब, मम्मी ऐसे चबाती है ना रोटियाँ बारीक बिल्कुल, मतलब उसे पचने की भी जरूरत नहीं है उस रोटी को, वो मुंह में ही पच जाती है, मतलब इस तरीके से गजब ही है। ये तो 6 रोटी खा लेगा, मैं तो एक ही नहीं खा पाऊंगी। ये तो है। तो सब्जी बनी है हरी, हमारे खेतों में ही आजकल सब्जियां हो रही है ना, तो अच्छी बात है। चौलाई की सब्जी बनी है, चौलाई की सब्जी वहां पर भी बहुत खाई थी मैंने नेपाल में। बाकी ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। और देखो अभी बादल नीचे थे ना, थोड़ा नीचे था, अब देखो पूरा का पूरा कवर हो गया, देखो बादलों से, बादल कितनी तेजी से ऊपर को जा रहे, बहुत प्यारा भाई बहुत प्यारा। बाकी ये अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो अब ऐसा करते हैं ब्रेकफास्ट करने की तैयारी करते हैं, जल्दी से करते हैं। 9:30 बजे के लगभग निकलने की तैयारी हो रही है, जैसे तैसे करके भाई अभी तक वीडियो रिलीज कर पाए, पर जो भी है फाइनली हो गया, मतलब अच्छी बात ये है। और आज देखो ना पहाड़ियों पर कैसे बादल दिखाई दे रहे हैं, कितने खूबसूरत और प्यारे,
साथ में हरियाली भी देखो, धीरे धीरे हरियाली भी छाना शुरू हो गई ना, तब जवाब नहीं है भाई। अब जिस तरीके से ग्रीनरी आती है ना, निखर के आती है यहाँ पे, उसका कोई जवाब भी नहीं है भाई। और अभी के टाइम पर मुझे वही है, मैं मार्केट निकलने वाला था और मम्मी करी यहाँ पर, ये देखो अपने भाई की आने की खुशी में मम्मी बिल्कुल तैयार, सेंट सुंट लगा के हैं, क्रीम पाउडर लगा के। ये देखो तुम आज मम्मी को, जरा फोटो खींचने हैं मम्मी का, आज फोटो खींचते हैं, फोटो देखो मेरो, जब फोटो खींचने, ये मम्मी हैस ना हैस, वो जो लमाती, अरे यार बस। अब देखो अब यहाँ से खींचेंगे मम्मी की फोटो, एक मस्त पोज बना जरा मम्मी, एक मस्त। आज लग रही ना मम्मी टकाटक बिल्कुल बढ़िया। हाय करते जरा सब, हाय 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 गाइस बोल दे जरा, मेरा दांत बेकार आता है। हाय गाइस बोल, हाय गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो अभी अब ऐसा करते हैं कि हम निकलने की तैयारी करते हैं, वैसे बारिश की बूंदे पड़ रही, ये देखो पत्थरों पे ना बारिश की बूंदे गिर रही है, तो मैं रेनकोट पहनना पड़ेगा मुझे, रेनकोट पहन के निकलेंगे भाई। ऊपर से बादल आ रहे हैं धीरे धीरे बढ़िया तरीके से। चलो अब ऐसे करते बिना देरी के निकलते हैं, इससे कि पहले ज्यादा तेज हो जाए। तो दादी का देखो, दादी इतनी घास ला पाई भाई, अच्छा खूब घास लांदा, अच्छा अच्छा ठीक है बढ़िया। तो चल पड़े हैं भाई अपने गांव से बिल्कुल सीधा पांग गांव की ओर, पांग बाजार की ओर, और मैं जाने वाला हूं दरअसल वहां से किरकू की तरफ मैं जाऊंगा, मतलब मैं ना, मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पूरा बादल देखो, बादल कैसे लग चुके हैं। और धीरे धीरे हम भी चलते हैं, देखते हैं कितने देर में बारिश आती है। वैसे रेनकोट तो रखा है पर मुझे उम्मीद तो ये है कि बारिश है ना मैं पहले पहुंच जाऊंगा। दरअसल अभी के टाइम पर भाई घर से निकलने के बाद में पहुंचे हैं पांग बाजार में, सामने बिल्कुल बाजार दिखाई दे रहा है, छोटा सा बाजार है, और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं भाई। ये जगह ना बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है, और साथ में ये वाली घाटी देखो, ये वाली वैली देखो भाई क्या खूबसूरत है। जब दरअसल बादल लगते हैं ना, तो बादल दरअसल पूरे नीचे लगते हैं, वो जैसे मसेटा मासूम हो गया, वो मासूम हो गया, इस वाले गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं है, ये पांग हो गया ऊपर में, तो काफ़ी सारे गाँव हैं। और यहाँ पर लोग ना खेतों में आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम भी है, थोड़ा बहुत जो खेती पाती का काम होता है, खरपतवार निकालना खोदना इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ अब जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो छोटी सी दंदाल सी होती है ना, उससे साफ किया जा रहा है, उससे मतलब जो ऊपर की जमी हुई पपड़ी होती है उसको हटाया जा रहा है मतलब। और यहाँ पर थोड़ा सा सामान लेंगे, मुझे दरअसल जाना कहाँ है, मेरी जो बाइक की जो चैन है ये, तो ये दरअसल ना बहुत ढीली हो गई, ये देखो कितनी ज़्यादा ढीली है, हाथ लगा के तो खैर पता नहीं चलेगा ऐसे में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ढीली है दरअसल ना। और अभी ऐसे करते हैं, अब चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं जाऊँगा इस वाली रोड से किरकू, बिल्कुल सीधा जो आपको यहाँ से बिल्कुल नीचे में रोड दिखाई दे रही है वो हो गया पुसली गाँव। पुसली से पहले हमारे एक गुरजी थे जिनका हम पुसली गुरजी बोला करते थे, बहुत अच्छे थे भाई, मुझसे सामान मंगाते थे, बहुत बचपन की बात है यार, मुझसे सामान मंगाते थे उस टाइम पे 25 पैसा 50 पैसा चलता था, तो वो 25 पैसा 50 पैसा देते थे जब छोटे थे, मतलब स्कूल में ना, पाँचवीं छठी छठवीं क्लास में, बहुत छोटी एज थी मतलब उस टाइम पे तो। और बाकी अब बिना देरी के चलते हैं, अभी तक बारिश तो नहीं हुई लेकिन बादल यहाँ पर देखो लगना शुरू हो गया ना, तो मुझे लग रहा है आते वक्त बारिश अच्छी खासी रहेगी। फिर तो पांग बाजार में आए हैं, थोड़ा सा वहाँ पर पहले थोड़े पीछे रुक के थे, अभी पांग बाजार में आने के बाद में थोड़ा टमाटर खरीदें, और यहाँ पर भैजी और मिले हैं, सब लोग मिले हैं, तो दरअसल वीडियोस देखते ना रेगुलर बेस पे, धन्यवाद। वैसे ये पांग की बोला आप, अच्छा ऋषिकेश, बाकी पूरी फैमिली आ रखी शायद, अच्छा ज्वालपदी भी जाने की तैयारी हो रही है, बढ़िया भाई, हेलो हेलो भाई। तो एक भाई है, भैजी और है, सब बढ़िया, और बताइए मजे में चल रहा सब है, मौसम का एंजॉय ले रहे हैं। नेपाल में तो ज्यादा बारिश हो रही कंटिन्यू, हाँ बढ़िया, ज्यादा बारिश हो रही है सब नेपाल की, अच्छा अच्छा बढ़िया, धन्यवाद।
तो अभी चले भैजी। हाँ चलो चलो, मैं भी चलता हूँ आगे। ठीक है, अच्छा भैजी, धन्यवाद। अच्छा भैजी, सब बैठे हैं, नेपाल की चर्चा चल रही है अभी। तो जितना भी सामान मैंने लेना था ना, मैंने पांग बाजार में ले लिया था दरअसल। और इस सामने आपको किरकू बाजार दिखाई दे रहा है, अपने यहाँ का मतलब पांग बाजार से थोड़ी सी बड़ी मार्केट। और मैं आके रुका हूँ भैजी के यहाँ पे गैरेज शॉप पे। तो यहाँ पर एक बार जल्दी से ये पीछे के टायर की चैन टाइट करवा लेते हैं। इसका शायद एक्सल भी ख़राब हो रखा है ना इसका, एक्सल भी चेंज करवाना पड़ेगा इस बारी। अभी तो नहीं, अभी काम चल जाएगा, लेकिन अब जल्दी कराएंगे मतलब। बाकी जो भी है चलते हैं। मामा और भी दरअसल ऊपर में मिले थे तो अभी गए जस्ट, तो वो भी घर पे, उनके घर पे पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना था लेकिन लेट हो गया। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। तो अभी के टाइम पर घर पे पहुंच चुके हैं, पापा बिल्कुल टच तैयार हो चुके हैं। दरअसल मामा और आ रहे हैं ना, तो आज लगना चाहिए खतरनाक। हाँ ये तो है, पापा मतलब जवान जवान लगते जा रहे हैं। नहीं आज और साथ में दरअसल बारिश लग गई थी बीच में से, तो जल्दी आया मतलब ना, बहुत तेज आया। थोड़ा बहुत बारिश में भीग गया था पर चलेगा, क्योंकि रेनकोट लेके जा रखा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। और बाकी मामा और का इंतज़ार हो रहा है। मुझे लगा था शायद मामा जी और लोग आ चुके हैं, मैंने एक गाड़ी देखी थी पीछे, मुझे लगा था शायद उसी गाड़ी, वही गाड़ी थी। पर जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो वो गाड़ी शायद कहीं और की थी ना, पता है क्या था, उस गाड़ी से दरअसल हाथ भी हिलाया ऐसे करके, तो मुझे लगा शायद मामा और ही है। अभी ऐसे करते हैं भाई, बारिश में भीगने के बाद थोड़ा ठंड लगी ना, तो चाय पी जाए। तो चाय की प्याली, और यहाँ पर चल रहा है अभी भुट्टे पकने का काम। आज भुट्टे खाएंगे ना यार, बारिश का मौसम भी है तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है, नहीं है बारिश में इंजॉय करने का तरीका। तो बनाते हैं, और इसे देखो ये भी आ रखा है यहाँ पे ना, ये भी भुट्टा खाने के चक्कर में। ओए भुट्टा खाएगा तू, है हाथ नहीं लगाना अभी, अभी पहले भुट्टा पकाऊंगा मैं, ठीक है चल बैठ जा बस। तो भुट्टा तो पक चुका है, मम्मी को दे दिया, पापा को दे दिया है, और साथ में केसी को भी दे दिया। तो ये देखो भुट्टा कैसे खाता है। खा 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 खा, खा बच्चे हाँ। दरअसल अभी गर्म हो रखा ना तो इसलिए नहीं खा रहा वैसे, नहीं तो भाई भुट्टा सोयाबीन मूंगफली अखरोट जो मर्जी हो सब खाने के लिए तैयार। ये देख रहे दाने दाने खाएगा बस, बाकी कुछ नहीं खाएगा। बाकी अभी ऐसा करता हूँ मैं भी भुट्टा खाता हूँ, ठीक है मजेदार हो रहा है। ठीक है टाइम पर ना मामा मामी सब आ चुके हैं और खाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे दरअसल। तो खाना रखा जा रहा है, बाकी ऐसा करते हैं पहले खाना खुना खाएंगे फिर तसल्ली से मामा और से मिलेंगे फिर। तो खाना पीना खाने के बाद में अभी शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं दरअसल, और चाय की तैयारी हो रही है। मामा जी और बैठे हैं यहाँ पे, बड़े मामा जी, दूसरे मामा जी, और साथ में मामी। मामी से तो पहले दिखा दिया था मैंने लेकिन शकल नहीं दिखी थी उस टाइम पे। तो सब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है नेपाल का। कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, तो उसी पर डिस्कशन चल रहा है अभी। कौन कौन जाएगा। सब तैयार है, मैं तो कह रहा हूँ बारात लेके चलते हैं अभी। मामा जी है बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी तैयार हो जाओ। ऐसा करते हैं यहीं से इनोवा लेके चलते हैं। अच्छा ये भी है, पूछ बनवाते हैं। हाँ फिर या के बटे एक ही बार मन निपटाओ छोड़ो। नीचे कर दो उनको फोन, कर दो करो फिक्स आना चाहो ना। हाँ बाकी चल ही रहा भाई डिस्कशन आगे क्या क्या चीजें करनी है। और अभी के टाइम पर थोड़ा चाय पानी पीते ठीक है। आप अगर अगर वहाँ से अगर नेपाल से आप यहाँ आ जाते हाँ, फिर वहाँ छोड़ने जाते फिर वो नहीं पीते। भगा के लेके आ जाते, नहीं भगाने वाला वो नहीं करना।
अरे मतलब होता है ना, ऐसा भी होता है। अच्छा, उनके घर से ले लिया भैया, हम मेरे पास तुम्हारी लड़की है और अच्छा सगाई वगैरह होती है और फिर जो है शादी होती है। अच्छा चलो जो भी है, थोड़ा सा बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद में आज देखते हैं, क्या पता मामा जी और यहीं रुके। नहीं नहीं, यहाँ तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल। हाँ नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना वहाँ पे, भाई बहन भी आ रखे ना वहाँ पे, दूसरी जगह पे हैं दरअसल। अगर आपको याद होगा, संध्या बहन बहन है ना, जो भाकड़ी गाँव में जब हम रहते थे, तो उस टाइम पर आपने देखा उन्हीं के घर पे ना, हैप्पी के घर पे ना। हाँ, तो संध्या के घर पे हैं दरअसल। हाँ मतलब वही उसी का घर है, वो तो घर ही है। इसीलिए कह रही है मम्मी कि जल्दी जल्दी करो बोला। वही तो सही है, बढ़िया बढ़िया। तो अभी के टाइम पर ना चाय पानी पीने के बाद में मामा जीवरों के जाने की तैयारी हो चुकी है, और अब ऐसा करते हैं मामा जीवरों को रोड तक छोड़ के आते हैं। बाकी थोड़ा बहुत पेड़ रखे हैं, पेड़ भाई ओबीसी बात है, पेड़ तो आजकल बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए वैसे भी। तो मामा जी और भी लेके जा रहे हैं यहाँ से देहरादून में पेड़ लगाने के लिए। अच्छा, घर के आगे अच्छा लगेगा मतलब ना, पेड़ पूड़ी ये सब चीज़ें। तो अभी चलते हैं, रोड तक छोड़ के आते हैं। ला मम्मी, मैं धरत खान हूं। ला मम्मी जी, ये मैं मदे आती, मैं मदे मैं माँ। तो अब चलते हैं जल्दी से, और इसको देखो, इसको लग रहा है कि मैं अभी जा रहा हूँ शायद, इसलिए ऐसे कर रहा है। चल लो, तुम भी आना था रोड। अच्छा चलो, भारत माता की जय। बाकी मौसम देखो, मौसम कैसे हो रखा ना, बादल आते जा रहे हैं, एक लेयर पे आ रहे हैं भाई, एक लेयर पे। इस साइड में देखो बादल कैसे लगे, सुबह से तो खैर बारिश, सुबह से तो खैर बादल ही लगे थे, पर जो भी है खूबसूरत तो है। मामा जीरो के साथ में चलते हैं नीचे रोड तक ना। बाय दादी। मामा जी भी आ चुके हैं, मामा जी की यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी है। तो अब ऐसा करते हैं, सामान रखते हैं जल्दी से गाड़ी के अंदर में, और फिर उसके बाद में भेजते हैं जल्दी। अच्छा, ये बैग बीच, बैग बीच में रखना। हाँ, पेड़ पौधे यहाँ पर रख दिए, लिटा के ना खड़ू रखना चापल पौधा। अच्छा, ये ट्रेन नहीं निकल फिर की धन का बीच में रख दे आप, बीच में। मामा जी सुना, डाला बीच में रख दे आप, ठीक ये कहां से। ना ना ना, डाला खड़ा रखनी खड़ा, ठीक है। अच्छा कमल जी, ठीक है। तो मामा जी मम्मी को पैसे दे रहे हैं। चलो ठीक है मामा जी, चलो चलो ठीक है। एक बार रोज है यार, आखिर जहाँ तो जानते दूसरे मामा जी भी ले रहे। ठीक है मामा जी, चलो ठीक है। ये जाने की तैयारी पूरी, चलो ठीक है मामी, ठीक है। बाय 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 बाय, चलो ओके बाय। नेपाल तैयारी, हाँ ठीक है। मामा मामा दरअसल नेपाली में बात करते हैं, अभी बात कराए तो नेपाली में बात कर रहे थे भाई साहब। बाकी अब जाने देते हैं, हम लोग घर पे रहेंगे जो भी है, और अब जल्दी तैयारी कर रहे हैं। आज मामा और भी चले गए हैं, काफी अच्छा लगा, और मम्मी को तो याद आ गई बहुत ज्यादा। अब तो मम्मी का पेट दर्द हो रहा है, अभी कुछ करते हैं, अभी आज मम्मी को आराम करवाते हैं और हम लोग करते हैं कुछ, ठीक है। ठीक है मम्मी, ठीक है। तो पापा कह रहे हैं मम्मी को कि पापा बनाएंगे बोला आज खाना। मैं और पापा बनाएंगे साथ में मिल के आज खाना आराम से, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे बस, मजाक कर रहा हूँ मैं, खाना बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसे करते हैं चाय पीते हैं, बाकी आज मम्मी को मामा ने पैसे भी दे दिए, 1000 रुपये दी मम्मी। फराने जब पहले नहीं होता जैसे, मामा कब से आए, 2 साल बाद आए ना, है ना, 2 साल बाद आए, मतलब मम्मी 500 रुपये में दे दे। 500 रुपये मम्मी मुझे दे देगी।
तो अभी के टाइम पर अपना खाना पीना कंप्लीट, यानी कि खाना खुना कंप्लीट हो चुका है। दरअसल मेरा खाने का मन नहीं है, मम्मी पापा ने खाना खा लिया है, अपने गले में थोड़ा सा जलन सी पड़ रही है अभी के टाइम पे। एक तो आज दिन में थोड़ा सा लेट खाया था तो इसकी वजह से हो जाता, मतलब कभी कभी ना। तो जो भी है, आज का दिन काफ़ी मज़ेदार रहा, काफ़ी अच्छा रहा, सबसे मिले, बातें करी, लोग दरअसल बहुत सारे मिले, तो अलग अलग कमेंट्स देखने को मिले, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स देखने को मिले जब मैं मार्केट जा रखा था। बाकी अभी ऐसा करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने ब्लॉग इंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और बहुत जल्द हम लोग जाने वाले हैं नेपाल पूरी फैमिली के साथ में। समझ गए होंगे किस काम के लिए जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको पूरा आगे चल के पूरा मिलने वाला अपडेट्स की क्या क्या तैयारियाँ होने वाली है, ये सब चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।